नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अहलावत रीजनिंग पे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बातों को जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो इंग्लिश की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही आपका वोकैब सेक्शन जो है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आपको पूरा जो सिलेबस है वो इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपका इंग्लिश का भी और आपका रीजनिंग का भी। साथ के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपका बाकी का जितना भी पोर्शन बचा हुआ है वो सारा पोर्शन आपका लेके आए इसी YouTube चैनल पर। आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और आप करते रहें, ताकि आपका सहयोग हमें मिलेगा, उसी तरीके से हम यहाँ पे अपना 100% दे पाएंगे। और अब तक हम अपना पूरा 100% ही यहाँ पे दे रहे हैं, 1% भी नहीं बचा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि सब कुछ स्टूडेंट को दे दिया जाए, कि वो गवर्नमेंट जो लगनी है, गवर्नमेंट जॉब तो लगनी है, साथ में वो टीचर भी बन सके, कि आप यहाँ से पढ़ के टीचर भी बन सकते हो। तो चलिए, आज का जो आपका टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका डाइस। और डाइस को बोला जाता है पासा, जिस पासे से आप खेलते हो घर पे, जिससे आप लूडो खेलते हो, उसी की बातें हम आज यहाँ पे करेंगे डाइस के। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर एक एग्जाम के अंदर एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन आपका जरूर बनता ही बनता है। एकाध ऐसे एग्जाम होते हैं कि जिनमें ना बने, लेकिन ज्यादातर 99% केसेस में इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। या तो आपकी क्लोज डाइस होती है या फिर आपकी क्या होती है, ओपन डाइस होती है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर आपने कहीं पे भी स्किप किया तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर एक पार्ट जो है वो यहाँ पे हर एक उससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट आपको समझाऊंगा, तो वो फर्स्ट पार्ट आपका इस डाइस के लास्ट तक यूज होगा। अगर आपने कहीं पे स्किप कर दिया, आपको ये लगा कि ये हमें पार्ट आता है, तो आप खतरे में पड़ जाओगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, अभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं हालांकि, ठीक है। तो देखिए, डाइस होती है आपकी दो टाइप की। एक डाइस होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस और एक आपकी डाइस होती है ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोला जाता है मानक पासा, इसे बोला जाता है मानक पासा और इसे बोला जाता है सामान्य पासा। अब मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है? तो देखिए, जिस पासे से आप खेलते हो, लूडो खेलते हो, उसी पासे को बोला जाता है मानक पासा। और फिर सामान्य पासा क्या होगा? सामान्य पासा वो होता है जो बाय डिफॉल्ट गलती से बन जाता है, जिसमें संख्याएं लेफ्ट वाली अपर पार्ट पे आ जाती है, कहीं पे भी आ जाती है, तो वो आपका सामान्य पासा बन जाता है। किस तरीके से? जैसे कि अपने पास एक डाइस है, अपने पास ये एक डाइस है, और डाइस का जो हम पार्ट देख रहे हैं, हम डाइस की केवल और केवल तीन ही सतह देख रहे हैं। और तीन सतह आप कहां से देख सकते हो? केवल और केवल कॉर्नर से ही देख सकते हो। जैसे कि आपको बोला जाए कि हमारे पास ये एक डस्टर है, हमें उस साइड से देखना है जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा सतह दिखाई दे, ज्यादा से ज्यादा हमें साइड नजर आए। अगर आप सामने की तरफ से देखोगे तो एक ही साइड नजर आएगी। अगर इसे हम थोड़ा सा टिल करते हैं तो यहाँ पे आपको दो साइड नजर आ रही है, और जैसे ही आप कॉर्नर की साइड पहुंचोगे तो वहां पे आपको एक, दो और तीन साइड आपको नजर आ रही है। तो यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि ये आपकी डाइस बनी हुई है, ये फ्रंट पार्ट है, ये आपका अपर पार्ट है और ये साइड वाला पार्ट है, यानी कि हम कहां से देख रहे हैं? एक कॉर्नर से देख रहे हैं। और ये जितनी भी सतह यहां पे हमने ली हुई है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब अपोजिट क्या होता है? देखिए, जो आपको ये ब्लैक पार्ट नजर आ रहा है, इसका जो अपोजिट होगा, यानी कि जो फ्रंट पार्ट आपको यहां नजर आ रहा है, फ्रंट का आपका अपोजिट क्या होगा? फ्रंट का अपोजिट होगा बैक। फ्रंट का अपोजिट क्या है? बैक। ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। ये दोनों क्या है? विपरीत है। तो देखिए, जहां पे भी मानक पासा आपको ये कहता है कि विपरीत सतह, अपोजिट साइड, विपरीत सतह, जैसे कि विपरीत सतह अपोजिट साइड का टोटल, का टोटल यानी कि सम अगर 7 होगा, अगर 7 होगा तो वो आपका क्या होगा? मानक पासा होगा। किस तरीके से? जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपकी डाइस पे एक डॉट लगा रहता है, इस तरीके से जैसे कि यहां पे एक है
तो इसके नीचे की तरफ क्या होगा, यानी कि इसके बैक पार्ट पे यहाँ पे क्या होगा, वहां पे आपके कितने डॉट होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक है तो उस साइड में कितने होंगे, उस साइड में होंगे हमेशा छः, हमेशा छः। अब ये पता कहां से चला, ये चला कि एक और छः को हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, सात हो जाता है। तो टोटल हमारा कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है आपका सेवन यानी कि सात। इसके बाद अगर मान लीजिए हमें एक नहीं दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहे हो दो डॉटेड पार्ट, हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, दो डॉटेड पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि दो है। अब दो में हम कितना टोटल करेंगे कि सेवन बन जाएगा, तो दो में हम टोटल करेंगे फाइव, दो में कितना जोड़ेंगे, पांच जोड़ेंगे, तो दो और पांच को जोड़ने पर कितना आया, सात आया। कि मैंने दो अपोजिट साइड को, दो विपरीत सतहों को आपस में जोड़ा तो उन दोनों का टोटल कितना बना, सेवन बना, सात बना। तो ये डाइस क्या हो गई आपकी, स्टैंडर्ड डाइस हो गई, यानी कि मानक पासा आपका बन गया। अब जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पे आपके तीन डॉट होते, तो अगर आपके थ्री डॉटेड पार्ट यहां पे गिवन होता, तो यानी कि यहां थ्री है और थ्री में आप कितना प्लस करते, फोर, तो यहां कितना बन जाता, सेवन। यानी कि जहां पे भी अगर विपरीत सतहों का योग, अपोजिट साइड का टोटल यदि आपका सेवन बना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा हम कहेंगे। अब बात आती है ऑर्डिनरी डाइस की, सामान्य पासा की। अब ऑर्डिनरी डाइस क्या बात है, कि ऑर्डिनरी डाइस में ऐसा क्या है कि इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। किस तरीके से, देखिए कि ये वाला ये कहता है कि अगर आपकी डाइस है इस तरीके से, हमने डाइस बनाई ये, इस डाइस के अंदर, इस डाइस के अंदर जो सतह, जो सतह निकटतम है यानी कि पड़ोसी है, जो सतह बिल्कुल निकट है, बिल्कुल पड़ोसी है, जैसे कि यहां पे ये एक है, इसका पड़ोसी कौन है, ये छह है। अगर इनका टोटल आपस में सेवन बन जाएगा, अगर इनका टोटल आपस में सेवन बन जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सामान्य पासा यानी कि ऑर्डिनरी डाइस हम कहेंगे। अब आपके दिमाग में वो बातें जरूर चल रही होंगी कि अगर मान लीजिए ये डॉटेड पार्ट नहीं दे रखा है और साथ में ये संख्या नहीं दे रखी है, तो आपको पार्ट ये भी तो दिए होते हैं, कहीं एट द रेट रहता है, कहीं हैश रहता है, कहीं पे आपका ए लिखा रहता है, कहीं बी लिखा रहता है, यानी कि अल्फाबेट यूज किए जाते हैं या फिर आपके सिंबल यूज किए जाते हैं, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि वो आपका स्टैंडर्ड है या फिर ऑर्डिनरी है। तो वो मैं आपको ध्यान से बता दूं कि हमेशा और हमेशा संख्या या फिर डॉटेड पार्ट के अंदर, संख्या यानी कि नंबर और डॉटेड पार्ट के अंदर ही आपके स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस होते हैं। इनमें कभी भी आपका स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी डाइस नहीं होता है, ये डाइस आपकी स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी डाइस नहीं है। हमें स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी कहां पे देखना है, केवल और केवल संख्याओं के अंदर और केवल डॉटेड पार्ट के अंदर। अब हम इन्हीं के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, पार्ट वाइज हम चलते रहेंगे, पहले पार्ट से समझेंगे, वही पार्ट आपका लास्ट तक यूज होने वाला है। तो धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कम से कम चार क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डाइस एक ऐसा चैप्टर है, हर कोई इसे थोड़ी देर में करा करके फिनिश कर देता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इतने सारे क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे कि आपको किसी बुक की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, इतने क्वेश्चन आपके करवा दिए जाएंगे, आप डायरेक्ट एग्जाम में जाओ और डायरेक्ट आप टिक करके आओ और आपका आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से स्टैंडर्डाइज क्या है, यानी कि मानक पासा कौन सा होगा और सामान्य पासा आपका क्या रहेगा। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि कहीं पे साइड का टोटल सेवन तो नहीं बन रहा है, जैसे कि थ्री और टू को प्लस करोगे तो फाइव बनेगा, क्या पांच है, पांच नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या है, हमेशा और हमेशा अगर आपका साइड में, इस साइड में अगर आपका सम बना सेवन यानी कि टोटल बना सेवन, तो वो आपकी डाइस क्या होगी, वो डाइस होगी आपकी सामान्य यानी कि सिंपल डाइस आपकी होगी। अब यहां पे क्या है कि तीन और एक चार, दो और एक तीन, तो कहीं पे भी टोटल आपका सेवन नहीं बन रहा है। अगर साइड का टोटल सेवन नहीं बन रहा है, वो डाइस आपकी क्या हो जाएगी, फिर वो डाइस हो जाएगी आपकी यहां पे स्टैंडर्ड डाइस, यहां पे क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा यह हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे कि यहां पे इन साइड का टोटल क्या है, सेवन है, छह और एक जोड़ा कितना हुआ, सात हुआ। अगर आपको सम सेवन मिल गया, टोटल आपको सेवन मिल गया, तो वो डाइस क्या हो जाएगी, वो डाइस हो जाएगी ऑर्डिनरी डाइस यानी कि सामान्य पासा,
सामान्य पासा। और जैसे कि 5 और 4 9 6 और 5 11 6 और 4 10, अगर आपको टोटल 7 नहीं मिलता है, अगर आपको टोटल 7 नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्डाइज आपका हो जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 और 4 10 6 और 2, इस तरीके से आप टोटल करते हो, तो आप हमेशा एक ही ध्यान रखो कि 7 जो है वो कब कब बन सकता है। 7 हमेशा कब बनेगा, 7 बनेगा आपका अगर आपका एक गिवन है तो हमेशा 6 आएगा जब आपका 7 बनेगा। जैसे कि यहां पे 6 गिवन है लेकिन 1 गिवन नहीं है, अगर 1 आपका गिवन नहीं है तो अभी तक जो ये डाइस है ये आपकी स्टैंडर्ड डाइस चल रही है, यानी कि मानक पासा आपका चल रहा है। जैसे कि अगर 2 गिवन है तो 2 में हम कितना प्लस करेंगे कि आपका क्या बन जाए, 7, तो 5 होगा। जैसे कि यहां मैंने 2 लिखा है तो 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 2 के अपोजिट होना चाहिए 5। अगर अपोजिट यहां एक साथ गिवन है तो आपकी डाइस क्या हो जाती है, सामान्य पासा हो जाती है। अब देखिए हमने 6 के साथ देखा तो 1 नहीं है, 2 के साथ 5 भी नहीं है, तो ये डाइस आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी डाइस हो जाती है स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा, यानी कि मानक पासा इसका आंसर है। अब देखो आगे वाले हैं कि यहां क्या लिखा है कि यहां 2 है, 2 के साथ में 5 तो नहीं गिवन है, लेकिन यहां 3 और 4 गिवन है। तो देखिए अगर कहीं पे भी अगर 3 गिवन होगा और 3 और 4 एक साथ गिवन होंगे, 3 और 4 एक साथ हमें कहीं नजर आ रहे होंगे, तो उन दोनों का सम क्या बनेगा, 7 बनेगा। यानी कि इन दोनों का सम आपका क्या बना, इन दोनों का सम बना 7। अगर इन दोनों का सम 7 बनता है तो यहां पे आपकी डाइस क्या हो जाएगी, यहां पे डाइस हो जाएगी, ये आपका होगा सामान्य पासा, यानी कि ऑर्डिनरी डाइस, सामान्य पासा यानी कि ऑर्डिनरी डाइस। जहां पे भी सम आपका 7 बनता है, जैसे कि 5 और 2 कितना हुआ, 7, 5 और 2 कितना हुआ, 7, आपकी कौन सी डाइस है, सामान्य डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। जैसे कि यहां पे ये 5 और 3 8 है, कहीं पे भी टोटल आपका 7 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आपकी डाइस क्या हो गई, स्टैंडर्ड डाइस हो गई, यानी कि मानक पासा हुआ। सेम ऐसे ही 4 और 3 को जोड़ा तो कितना हुआ, 7, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 हुआ, यानी कि अब ये डाइस आपकी क्या हो गई है, सामान्य पासा हो गया है इस तरीके से। अब लास्ट वाले में है कि 6 और 1 कितना हुआ, 7, तो ये डाइस भी आपकी क्या है, सामान्य पासा है, यानी कि ऑर्डिनरी डाइस है। हमें ये तो पता चल गया कि ये ऑर्डिनरी डाइस है, ये आपकी स्टैंडर्ड डाइस है, ये आपका मानक पासा है, ये आपका सामान्य पासा है, इन सब बातों का तो हमें पता चला। अब ये सारी बातें कहाँ पे यूज होंगी, आपके एग्जाम से रिलेटेड कैसे ये क्वेश्चन बनेंगे, वो सब चीजें हम समझेंगे कि कहीं पे आपकी 1 डाइस गिवन होगी, कहीं पे आपकी 2 डाइस गिवन होगी, और कहीं पे आपके 3 या 3 से ज्यादा डाइस के क्वेश्चन बनते हैं, कहीं पे आप कॉमन निकाल करके आंसर निकालते हो, कहीं पे आपके 2 कॉमन निकलते हैं। तो हम कॉमन पार्ट से ही स्टार्ट करके बेसिक से समझेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें आपकी यूज होने वाली हैं। पहले केस के ऊपर, पहला केस आपको क्या कहता है कि जहां पे केवल और केवल आपको 2 ही डाइस गिवन हो, जैसे कि यहां पे आपके कितने पासे गिवन है, 2 पासे गिवन है, यहां कितनी डाइस गिवन है, आपकी 2 डाइस गिवन है, 2 डाइस के आपके क्वेश्चन बनेंगे। सिंगल डाइस का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, पहले 9 क्वेश्चन हम सिंगल डाइस से कर चुके हैं, अब डबल डाइस के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम ट्रिपल डाइस के करेंगे, और फिर जो 3 से ज्यादा होंगी यानी कि 4 डाइस के जो क्वेश्चन होंगे अब हम वो सोल्व करेंगे। तो देखिए यहां बोला गया है कि जब एक ही पासे के 2 चित्र दिए गए हों, यानी कि ये एक ही पासा है, एक ही पासे के यहां पे 2-2 डायग्राम आपके दिए गए हैं, और यहां पे आपका केवल और केवल एक ही संख्या आपके समान होगी, एक संख्या जो है सामान्य होनी चाहिए। किस तरीके से कि यहां 1 लिखा है और यहां पे भी क्या लिखा है, 1 लिखा है, दोनों डाइस के अंदर एक ही संख्या ऐसी है कि दोनों जगह लिखी हुई है, तो हमें कैसे सोल्व करना है। तो देखिए इस वाली डाइस के, यानी कि जो ए नंबर डाइस है, इस ए नंबर डाइस का हमें क्या कर लेना है, यहां पे 1 ऐसे लिख लेना है, फिर हमें चलना है घड़ी के अनुसार, फिर हमें कैसे चलना है, घड़ी के अनुसार चलना है, हमें चलना है क्लॉकवाइज। जैसे कि ये 1 था, ये 1 मैंने लिख दिया ताकि वो विजिबल नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने दूसरा कलर चेंज किया। तो देखो 1 से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा आपका, 1 के बाद आएगा 2, सेम ऐसे ही 2 के बाद आप क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 3, 2 के बाद आप क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यह हमने किसका पार्ट लिखा है, 1 का पार्ट लिखा है। अब हम पार्ट लिखते हैं बी का, बी का पार्ट हमने लिखा, जो कॉमन 1 आया है वो कॉमन के नीचे कॉमन ही होना चाहिए, कॉमन के नीचे आपने कॉमन लिख देना है,
एक के बाद चलो क्लॉकवाइज, एक के बाद क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या होगा, चार होगा। चार के बाद क्लॉकवाइज क्या होगा, पांच होगा। चार के बाद क्लॉकवाइज क्या है, पांच। हमने इस तरीके से लिखा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिसके नीचे जो संख्या आ गई, जैसे कि तीन के के नीचे क्या आ गया, पांच, यानी कि तीन और पांच आपस में क्या है, अपोजिट है। तीन और पांच आपस में क्या है, अपोजिट है। सेम ऐसे ही दो के नीचे क्या लिखा हुआ आया, दो के नीचे आया चार, दो के नीचे क्या आया, चार। तो दो का अपोजिट क्या होगा, चार होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता कि इस एक के अपोजिट फिर क्या होगा, तो हम हमेशा एक से लेकर के छह संख्याओं तक ही अज्यूम करते हैं। हम कितना अज्यूम करते हैं, एक से छह संख्याओं तक ही हम अज्यूम करते हैं। तो देखिए यहां पे कहीं पे भी छह नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, छह। एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, छह। हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको, सिंपली ऐसे ही सोल्व करने हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ये, अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि दो के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट टू टू, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कॉमन फाइंड करना होगा कि यहाँ पे छह है क्या, यहाँ छह है, नहीं है। यहाँ चार है क्या, यहाँ चार है, नहीं है। यहाँ पे दो लिखा है और यहाँ पे भी क्या लिखा है, दो। दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, दो और दो लिखा हुआ है। हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन को एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे, जो कॉमन है, जो सामान्य है, उनको एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे। हम ए वाले से स्टार्ट करेंगे, दो के बाद आया चार, चार के बाद क्या आया, छह। दो के बाद आया है चार और चार के बाद क्या आया है, छह। यहां दो के बाद आया है तीन और तीन के बाद क्या आया, पांच। दो के बाद आया तीन और तीन के बाद क्या आया है, पांच। तो जो संख्या जिसके नीचे है वही उसका विपरीत है, लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है दो के विपरीत क्या होगा। दो के विपरीत वही संख्या होगी जो यहां पे एक से लेकर के छह तक, एक से लेकर के छह तक हमें नहीं नजर आई, हमें नहीं नजर आई। हमें कौन सी संख्या नजर नहीं आई, हमें एक संख्या नजर नहीं आई। तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा, दो के विपरीत हो जाएगा आपका एक। दो के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एक। सिंपली हमें ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसी तरीके से हमें सिंपल तरीके से, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमें सोल्व करने हैं। चुटकियों में क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, एक एक दो दो सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। चलिए ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और देखेंगे हम, ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और देखेंगे किस तरीके से। चलिए हम इन्हें मिटा देते हैं, उसके बाद समझेंगे। प्रैक्टिस करनी है हमें, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है इसी चैनल के ऊपर कि हमें किसी बुक की कोई जरूरत ना पड़े, किसी प्रैक्टिस सेट की हमें कोई आवश्यकता ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं, 12वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए। अब बात यह हुई कि वहां पे तो क्या लिखी हुई थी, संख्याएं। अब हमें तो संख्या नहीं चाहिए, हम तो अल्फाबेट ले लेते हैं। चलिए अल्फाबेट ले लेते हैं, लिख लेते हैं ए बी सी डी ई सी, इस तरीके से हमने लिखा। अब यहां पे आपसे बोला जाएगा कि ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट आपसे पूछा जाएगा कि ई के विपरीत आपका क्या होगा। तो देखिए एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि वन कॉमन ट्रिक चल रही है तो एक ही संख्या कॉमन मिलेगी। यहां पे कॉमन क्या है, कॉमन है आपका सी, कॉमन आपका क्या है, सी है। कॉमन आपने सर्कल लगा लिया, उसके बाद हमें चलना है डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत क्या होगा। ई किस पार्ट में लिखा है, ई लिखा है बी पार्ट में। ई किस पार्ट में लिखा है, बी पार्ट में। तो ध्यान से समझना कि ई जो है, ई जो है वो कॉमन से रिलेट करना है, ये जो कॉमन है इस कॉमन से ही रिलेट करना है। तो देखो कॉमन से पिछले वाला नंबर क्या था, ई था। इस कॉमन से, इस कॉमन से पिछले वाला क्या था, ई था। तो सेम ऐसे ही इस कॉमन से पिछले वाला क्या होगा, बी। जैसे कि इस कॉमन से पिछले वाला था ई और ई के विपरीत पूछा गया था, तो कॉमन से पिछले वाला क्या है, बी। तो ई के विपरीत क्या हो गया, बी। ई के विपरीत क्या हो गया, बी। हम ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, वो तरीका अप्लाई ना करके कि यहां पे कॉमन लिखा हमने सी और इसका कॉमन लिखा सी, सी के बाद आया ए और बी, सी के बाद क्या आया, ए आया और फिर क्या आया आपका, बी। सेम ऐसे ही सी के बाद डी आया और फिर क्या आया, ई। सी के बाद आया डी और डी के बाद क्या आया, ई। यानी कि बी के अपोजिट ए हमें यहां पे भी पता चल रहा है, हमें यहां भी पता चल रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम ऐसे देखते हैं, हमें प्रैक्टिस करते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है, अपना ध्यान लगाए रखना है एक ही जगह पे, नई नई जगह पे ध्यान नहीं लगाना है। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है एट द रेट, यहां मैंने लिखा है हैशटैग।
इसके बाद यहां हमने लिया प्लस का साइन, यहां है माइनस का साइन, वापस से फिर प्लस का साइन हमने ले लिया, ठीक है। और यहां पे दे देते हैं स्टार, एलकेजी यूकेजी क्लास में स्टार मिलता था। अब स्टार से याद आया, हमने काउंटिंग फिगर में पढ़ा था कि एक स्टार के अंदर, एक स्टार के अंदर कितने आपके ट्राइंगल होते हैं, कितने त्रिभुज होते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरी वीडियो जाकर के देखो, इतने मजेदार तरीके से हमने सीखा है कि स्टार के अंदर कितने आपके ट्राइंगल होते हैं, कितने त्रिभुज होते हैं, ठीक है। अब ये तो चल ही रहा है टॉपिक, काउंटिंग फिगर तो चल ही रहा है, चल क्या रहा है डाइस, तो डाइस ही समझेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे स्टार की बात चली, तो चलिए स्टार के अपोजिट ही हमें पता करना है। हमें क्या पता करना है, स्टार के अपोजिट ही पता करना है कि स्टार के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन है प्लस, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, पॉजिटिव यानी कि प्लस। स्टार यहां गिवन है भाई, कॉमन के बाद वाला अक्षर, कॉमन के बाद वाला, कॉमन के बाद वाला क्या है आपका स्टार, कॉमन के बाद क्या है स्टार। तो यहां पे इस कॉमन के बाद क्या है हैशटैग, इस कॉमन के बाद क्या है एट द रेट, कॉमन के बाद क्या है एट द रेट, बस आंसर काम खत्म। इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप खुद के नोट्स बनाओ, जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। खुद के नोट्स बना करके खुद ही पढ़ने का मजा ही अलग होता है ना, कि जब पहुंचते हैं, ये क्वेश्चन आपका अभी आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, और इतने आसान क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो सेकंड में कैसे सोल्व करना है वो हम समझेंगे। कि अभी क्या चल रहा है, वन कॉमन ट्रिक चल रहा है। तो चलिए वन कॉमन ट्रिक के अंदर क्या होगा कि कोई एक आपका डिजिट जो है वो कॉमन होगा, कॉमन क्या है आपका, दो जो है वो आपका कॉमन है, दो क्या है कॉमन है। तो देखिए कॉमन के नीचे क्या लिख लेंगे, कॉमन, दो के बाद आया चार और चार के बाद क्या है एक, दो के बाद है चार और चार के बाद क्या है एक। अब एग्जाम में ये गलती मत कर देना कि यहां पे पहले वाले में तो आपने चलाया क्लॉकवाइज और यहां आप चला लो एंटी क्लॉकवाइज, गलत हो जाएगा। यहां पे आप एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं चला सकते हो, यहां पे आपने घड़ी के अनुसार चलाया है तो इसमें भी घड़ी के अनुसार ही चलाना है। कैसे, कि दो के बाद पांच है और पांच के बाद क्या है छह, दो के बाद पांच है और पांच के बाद क्या है छह, तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा, दो के अपोजिट हो जाएगा आपका तीन, दो के अपोजिट क्या हो जाएगा तीन। अब यहां क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि हमने ये दो पासे दिए हैं, एक ही पासे के दो पासे हैं, एक ही पासे के, एक ही डाइस के दो डाइस जो है, दो यहां पे पासे गिवन है, इनकी मदद से, इनकी मदद से हम इन चारों में से कोई एक पासा निकालना चाहते हैं, कोई एक पासा हम बनाना चाहते हैं कि इन दोनों पासों की मदद से ऐसे कौन सा पासा है जो इनमें सही होगा, इन चारों में से कोई एक सही होगा। तो किस तरीके से, देखो कि आप हमेशा इन क्वेश्चन के अंदर, आप हमेशा इन क्वेश्चन के अंदर क्या देखते हो, इन क्वेश्चन के अंदर हमेशा आप यही ट्रिक लगाते आ रहे हो कि चार और पांच जहां लिखा होगा गलत हो जाएगा, एक और छह जहां लिखा होगा वो गलत हो जाएगा भाई, दो और तीन जहां लिखा होगा एक साथ लिखा होगा गलत हो जाएगा, कि दोनों विपरीत एक साथ हम कभी देख नहीं सकते हैं। अब इससे भी अलग ट्रिक होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तो इससे अलग ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए वो चीज आप लिख लो, वो चीज आप लिख लो कि दो विपरीत, कभी भी दो विपरीत ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं, ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छुप सकते हैं, ना ही कभी एक साथ दिख सकते हैं, ना ही कभी एक साथ छुप सकते हैं, कि दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ, कभी भी एक साथ ना तो दिख सकती हैं और ना ही कभी छुप सकती हैं। कि आप जहां पे देख रहे हो, आप कहां देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो, फ्रंट साइड में देख रहे हो, तो जो आपकी बैक साइड की दीवार है, फ्रंट और बैक साइड की दीवार, वो कभी भी आप एक साथ नहीं देख सकते हो और उन दोनों को कभी आप एक साथ छुपा भी नहीं सकते हो, एक साथ छुपा भी नहीं सकते हो, वो दोनों छुप गई तो फिर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं है ना। किस तरीके से, देखो कि यहां दो के विपरीत क्या लिखा है तीन, दो के विपरीत क्या है तीन, जहां पे दो और तीन एक साथ लिखा होगा तो गलत और दो और तीन एक साथ नहीं नजर आया तो भी गलत, कि ये दोनों विपरीत एक साथ नजर ना आए तो भी गलत, दोनों में से या तो दो नजर आना चाहिए था या फिर तीन नजर आना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक नजर आएगा तो डाइस कहीं ना कहीं सही हो सकती है, हमें चेक करनी होगी।
अगर इन दोनों को एक साथ छुपा दिया गया, जहां पे भी दो और तीन को एक साथ छुपा दिया गया, या फिर एक और छह को एक साथ छुपा दिया गया, या फिर चार और पांच को एक साथ छुपा दिया गया, ये तो दिखाई ही ना दे तो डाइस हो जाएगी गलत। कैसे? कि यहां पे दो और तीन में से एक भी नजर नहीं आया, दो और तीन में से एक भी नजर नहीं आया, गलत। दो और तीन तो एक साथ नजर आ गए, अब गलत। दो और तीन एक साथ नजर आ गए तो गलत। अब इनमें से ना दो लिखा है ना तीन लिखा है तो गलत, ना दो लिखा ना तीन लिखा, गलत। अब दो और तीन में से एक चीज लिखी, सही है। सेम ऐसे ही चार और पांच में से एक चीज होनी चाहिए, चार और पांच में से चार है, सही। एक और छह में से क्या एक है? एक है, ठीक, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या बना? डी। ऑप्शन क्या बना? डी। दोबारा बता रहा हूं कि ऑप्शन एलिमिनेशन हमें ट्रिक लगानी है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगानी है। वो कैसे लगानी है? कि दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह, टू अपोजिट साइड, ना तो कभी एक साथ छिप सकती हैं, ना तो दोनों अपोजिट साइड कभी एक साथ छिप सकती हैं, और ना ही दोनों एक साथ दिख सकती हैं। दोनों में से कोई एक नजर आएगा, दोनों एक साथ नजर नहीं आएंगे। गलत क्यों हुआ? क्योंकि दो और तीन आपस में विपरीत हैं, इन दोनों को आपस में यहां छुपाया गया और यहां पे दोनों को एक साथ दिखाया गया, तो गलत है। और जो ट्रिक आप अप्लाई करते हो वो क्या अप्लाई करते हो? कि चार और पांच जहां दिखाई देगा अपोजिट की वजह से, वो गलत हो जाएगा। दो और तीन अपोजिट हैं, इस वजह से गलत है। एक और छह जहां दिखाई देंगे वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो अलग अलग चीजें आप देखते हो, और फिर बाद में आपका ऑप्शन फिर भी क्या बना? डी बना। आंसर आपका क्या बना? डी बना। चलिए अगला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन भी आपके सेम ऐसे ही, किस तरीके से? कि यहां पे आपका क्या है कि हमेशा एक कॉमन रहेगा, तो चलिए एक कॉमन देख लेते हैं। एक कॉमन क्या है आपका? एट द रेट है। एक कॉमन आपका क्या है? एक कॉमन है आपका एट द रेट। एट द रेट के बाद क्या है? स्टार है। उसके बाद क्या है? डबल सर्कल है। एट द रेट के बाद क्या है? यहां पे हैच है, और उसके बाद क्या है? क्रॉस का निशान है। तो देखिए, आपको ऐसा काम नहीं करना है कि यहां पे एट द रेट के अपोजिट आपको फिलहाल नहीं पता है कि एट द रेट के अपोजिट क्या होगा। तो एट द रेट के अपोजिट हमेशा और हमेशा आपका इन चार ऑप्शन में गिवन होगा कि अपोजिट इसका क्या होगा। कि ये जो साइन आपका गिवन है, ये जीरो, ये क्रॉस और ये स्टार और ये हैच और ये एट द रेट, इन सबको छोड़ करके आपको एक ऐसा अलग से सिंबल नजर आएगा जो आपका एक अलग से सिंबल रहेगा। तो किसका अपोजिट रहेगा? वो अपोजिट रहेगा आपका एट द रेट का। इन सब में एक अलग से सिंबल मिलेगा, और वो अलग से सिंबल क्या है? अलग से सिंबल यहां, जैसे कि यहां डॉलर का साइन गिवन है। अगर आपका अलग से सिंबल डॉलर का साइन गिवन है, ये कहना यही चाहता है कि एट द रेट का जो अपोजिट है, विपरीत है, वो आपका क्या है? डॉलर है। वो आपका क्या है? डॉलर है। वही ट्रिक लगानी है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। अपोजिट एक साथ दिखे तो गलत, अगर एक साथ छिप गए तो भी गलत, ठीक है। कपल एक साथ नजर आए और छुपे तो भी गलत है, ठीक है। कैसे? तो देखो, यहां पे डॉलर है और क्या है? एट द रेट है। एक साथ नजर आए तो गलत, एक साथ नजर ना आए तो गलत, एक साथ नजर ना आए तो क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। तो अब ऑप्शन बचे हैं आपके दो, उन्हें चेक करना होगा। अब ये दो तो गलत हो चुके हैं। अब देखिए अगले वाले में, कि एट द रेट के अपोजिट क्या है? डॉलर। भाई डॉलर गिवन नहीं है। इसके अपोजिट है सर्कल, वो भी गिवन नहीं है। और यहां पे ये जो हैच है, हैच के अपोजिट स्टार भी गिवन नहीं है। यानी कि कोई किसी के विपरीत गिवन नहीं है। इस वाले के अंदर अपोजिट जो है वो गिवन नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। चेक आपको डी भी करना होगा। किस तरीके से? कि यहां पे क्रॉस के अपोजिट क्या है? डबल सर्कल है। क्रॉस के अपोजिट क्या है? डबल सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ना डी बन सकता है, ना बी बन सकता है, और ना ही ए आपका बन सकता है। तो चलिए अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? इन दोनों के अंदर भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? बी है। इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट क्या है आपका? कॉमन पार्ट है आपका बी। किस तरीके से? कि यहां पे हमने लिखा ये बी, और इस वाला बी हमने इसके नीचे लिख लिया। बी के बाद आया सी, और सी के बाद आया ए। बी के बाद आया सी, और सी के बाद क्या आया ए। बी के बाद ई है, और ई के बाद क्या है? डी है। बी के बाद ई है, और फिर क्या है आपका? डी है। तो देखिए, अब बी के अपोजिट में हमें एफ अपने तरीके से नहीं लिख लेना है। जरूरी नहीं है कि बी के अपोजिट आपका एफ ही हो। कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। ऑप्शन में गिवन होगा, इन चार ऑप्शन में गिवन होगा,
जो अलग से आपको नजर आएगा, अलग से कहीं ना कहीं आपको नजर आना चाहिए, अलग से नजर आया, जैसे कि यहां पे R है, R आपका अलग से, यानी कि B के अपोजिट आपका क्या है, R है, B के अपोजिट क्या है, R, तो B और R कभी एक साथ नजर नहीं आ सकते हैं, B और R एक साथ नहीं छिप सकते हैं, B और R एक साथ नहीं छिप सकते हैं, दोनों में से कोई एक नजर आना चाहिए, एक ही नजर आ रहा है, सी आपको नजर आ रहा है, सी के साथ में आपको ई नजर नहीं आ रहा है, यानी कि अपोजिट नजर नहीं आ रहा है, तो आपने दो चेक कर लिए, तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। आप तीन में से, इन तीन में से बी सी और डी में से किसी भी दो चेक, दो वाले को चेक कर लो, या तो बी वाले का अपोजिट देख लो, अगर बी का अपोजिट दिया है तो गलत है, या फिर सी का चेक कर लो कि सी का अपोजिट दिया है कि नहीं दिया है, आपको डी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही करना है, तीनों में से कोई दो चेक करो, आंसर खत्म, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका, डी वाला जो है वो करेक्ट। और 18th क्वेश्चन में क्या है, 19th क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक है, कि अगर जहां पे भी आपका क्वेश्चन मार्क गिवन है, ये क्वेश्चन मार्क गिवन है और आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चार ऑप्शन में से क्या आएगा, तो हमेशा ध्यान रखना जहां भी क्वेश्चन मार्क गिवन हो उस डाइस को अलग से छोड़ देना, उस डाइस पे आपको ध्यान ही नहीं रखना है, ध्यान नहीं रखना है, आंसर कैसे निकालोगे वो भी निकालेंगे, किस तरीके से, कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, दोनों में कॉमन क्या है, ई कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, ई, कॉमन को आपस में क्या लिख लिया, ऊपर और नीचे, ई के बाद ए है और ए के बाद क्या है, बी है, ई के बाद है ए और ए के बाद क्या है आपका, बी है, सेम ऐसे ही इसी पोर्शन के अंदर आपका ए के बाद एफ है और एफ के बाद क्या है, सी है, इस पोर्शन के अंदर क्या है, एफ है और फिर क्या है आपका, सी है, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा इन चार ऑप्शन में से, तो देखिए अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम सबसे पहला ही ऑप्शन पुट कर दें, पहला ऑप्शन क्या है, बी है, पहला ऑप्शन हमने बी पुट किया, तो सी और बी तो आपस में अपोजिट है, सी और बी तो आपस में अपोजिट है, तो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब सी और यहां पे है तो दोबारा सी को आप रख नहीं सकते हो, तो सी भी आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेम ऐसे ही अगर आपने यहां पे ई पुट किया, अगर हम यहां क्या पुट करेंगे, ई पुट करेंगे, तो डी का अपोजिट क्या है, ई है, कैसे, कि यहां डी है, यहां पे कोई भी नहीं लिखा है, तो इस वाले के अपोजिट क्या होता है, डी, कि डी के अपोजिट तो ई है, तो डी का अपोजिट ई वो भी नहीं आ सकता है, डी का अपोजिट ई वो भी नहीं आ सकता है, फिर आएगा क्या, आएगा ये लास्ट एफ, लास्ट क्या आएगा, एफ, इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, एफ, यहां पे क्या रहेगा आपका, एफ, तो बी और ई आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कैसे, कि एफ के अपोजिट ए है वो भी यहां गिवन नहीं है, डी के अपोजिट ई है वो भी यहां गिवन नहीं है, और सी के अपोजिट आपका बी गिवन है वो भी यहां पे नहीं है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ऐसे ही सोल्व करना है, तो देखिए अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एक, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक कॉमन है, ठीक है, इन दोनों का कॉमन हमने यहां पे लिख लिया एक और एक, यहां लिख लिया एक के बाद दो है, दो के बाद पांच है, एक के बाद दो है और दो के बाद क्या है, पांच, एक के बाद छह आया, छह के बाद क्या आया, तीन, एक के बाद आया छह और छह के बाद क्या आया, तीन, तो यहां पे एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा, अज्यूम हम कर लेते हैं कि हमेशा एक से लेकर के छह संख्याओं तक ही आपकी संख्याएं रहती हैं, कि यहां पे एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक के अपोजिट चार हो जाएगा, सीधी सी बात है कि एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, चार, मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया है कॉमन की जगह हटा करके, तो देखिए यहां पे क्या करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें वो लिखना है कि अपोजिट नजर ना आए, अपोजिट एक साथ ना दिखे, तो देखिए यहां लिखा है तीन और क्या लिखा है, चार, कहां क्या लिखा है, तीन लिखा है और क्या लिखा है, चार, तो ना तीन आ सकता है ना पांच आ सकता है, ना तीन आ सकता है ना पांच आ सकता है, क्योंकि तीन के विपरीत पांच है और एक संख्या दोबारा से नहीं आ सकती है, कि तीन के विपरीत तो क्या है, पांच है, वो एक साथ नहीं आ सकता है और तीन जो है वो दोबारा नहीं आ सकता है। सेम ऐसे ही चार के विपरीत एक है, चार के विपरीत एक है तो विपरीत एक साथ नहीं आ सकता है, ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा है, वो ऑप्शन क्या है आपका, छह, वो ऑप्शन क्या है आपका, छह, इस तरीके से। 19th क्वेश्चन आपके लिए है, यहां पे ये स्टार लिखा है, यहां पे बी या बेटा बोल सकते हैं, ये डॉलर का साइन है, यहां हैश है, ये एरो का निशान है, फिर आपका बीटा का निशान है, फिर डॉलर बीटा, और यहां क्वेश्चन मार्क में आपसे पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में से, इन गिवन जो चार ऑप्शन है इनमें से आपका क्या बनेगा,
कि स्टार आएगा, एरो आएगा, एट द रेट आएगा या फिर हैच आएगा। इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पे आपका क्या आंसर बनेगा, और आंसर आपको ऑप्शन में लिख के बताना है, वहां मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसी क्वेश्चन को हम अगली वीडियो के अंदर भी समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा भी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना सारा पोर्शन हमने समझा, इसी वीडियो को आप दोबारा देखो, कितनी बार भी देखो, पूरा क्लियर कर लेना है। इसके बाद हम अगली वीडियो पे पहुंचेंगे और फिर हम इसका जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल हमने किया है, कि केवल और केवल एक ही संख्या जो है सामान्य हो। कल हम स्टार्ट करेंगे कि दो संख्या आपकी सामान्य हो। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।